नमस्कार अपना देखें खबर आजकल अपन संगे आम पापड़ी एबार किन्तु बागडोगरार पर शिव मंदिरे खुले गए मफिन हाउस द केक शॉप जेखने पावा जाच्छे केक पेस्ट्री कस्टमाइज केक कुकी स्नैक्स सह मफिन्स गिफ्ट एवं विभिन्न बर्थडे आइटेम এখন আমরা মাফিন হাউস দা কেক শপের ভিতরে ঢুকে চলে এসেছি আপনাদের সরাসরি দেখাবো এখানে কি কি পাওয়া যাবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে বিভিন্ন ভ্যারাইটিস কেক সহ বিভিন্ন বার্থডে আইটেমস মাফিনস গিফট কিন্তু এখানে এই দোকানে অ্যাভেলেবল আছে তাছাড়া কিন্তু ইনাদের দেওয়া কন্টাক্ট নম্বরে ফোন করে কিন্তু আপনারা সরাসরি হোম ডেলিভারি পেয়ে যেতে পারেন আরো একবার আপনাদেরকে অ্যাড্রেসটা জানিয়ে রাখি এটি শিব মন্দিরে কফি 99 এর পাশে খুলে গিয়েছে মাফিন হাউস দা কেক শপ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে বিভিন্ন ভ্যারাইটিজের মাফিনস কেক বিভিন্ন ফ্লেভার বিভিন্ন ভ্যারাইটিজের নতুন সুন্দর সুন্দর কেক কিন্তু ইনারা কালেকশন করেছে তো অবশ্যই ভিজিট করুন শিব মন্দিরে মাফিন হাউস দা কেক শপে नमस्कार आप देख रहे हैं खबर आजकल मैं वर्षा आप सभी के साथ जुड़ा हूँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ शिव मंदिर में दर्शकों जैसे कि आपने इंट्रो देखा और वहाँ पर आपने मफिन हाउस के बारे में जाना इससे पहले आप सभी जानते हैं कि बागडोगरा में मफिन हाउस काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है लोगों को सर्विस दे रही है और टेस्ट की अगर बात करें तो अपना पहचान वो ऑलरेडी बना चुकी है हालांकि बागडोगरा के बाद अब वो शिव मंदिर में कदम रख चुकी है और यहाँ पर आज शिव मंदिर वासियों के लिए एक नया तोहफा दुर्गा पूजा के मौके पर मिल चुका है अब मफिन हाउस आप शिव मंदिर से आपको बागडोगरा नहीं जाना पड़ेगा हालांकि जिसको बागडोगरा की सर्विस पसंद आती है वो जाएँ बिल्कुल वहाँ जाएँ लेकिन जो शिव मंदिर है उन्हें आप ज़्यादा तकलीफ़ नहीं उठाना पड़ेगा माटीगारा के लोग भी शिव मंदिर पर आसानी से आ सकेंगे और बागडोगरा से जो लोग शिव मंदिर में किसी वजह से आते हैं वो भी मफिन हाउस का जो मज़ा है वो यहाँ पर ले पाएंगे जैसे कि हमने इंट्रो में आपको दिखाया कई तरह की वैराइटीज़ हमने दिखाएँ चाहे वो केक हो पेस्ट्री हो और स्नैक्स हो उसको लेकर हमने आपको दिखाया काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको मिलती है जो लोग मफिन हाउस से वाकिफ है उन्हें पता है कि मफिन हाउस का स्वाद कैसा है और वो किस तरीके से कस्टमर को ट्रीट करते हैं डील करते हैं और उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं अब शिव मंदिर में किस तरीके से ये पूरी तैयारियां वो कर पाएंगे कैसे उन्होंने ये पूरी तैयारियां के लिए पूरा मैनेजमेंट किया है क्या कुछ अपने कस्टमर को लेकर वो यहाँ पर पहुँचे हैं हम उनसे जानेंगे फिलहाल इंट्रो के साथ साथ अभी फिर से हम एक बार रिव्यू करा देते हैं कि जैसे कि जो स्टोर अभी आप इस वक्त देख पा रहे हैं काफ़ी चमचमाता हुआ है हमेशा से मफिन हाउस अपने नाम के साथ अपने टेस्ट के साथ चमचमाता रहता है और ऐसे ही ये आगे भी चमचमाता है ऐसी हम कामना करेंगे हालांकि हमारे बंधु मित्र रतन गुप्ता जी के तत्वाधान में ये खुला है और काफ़ी सुंदर हमेशा से मफिन हाउस की जो बनावट है वो रहती है चाहे वो केक हो चाहे इंटीरियर हो या फिर किसी भी तरह की उनकी सेवा हो तो यहाँ पर फिलहाल आप देख रहे हैं कई तरह के वैराइटीज़ के केक हैं कस्टमर्स भी लगातार यहाँ पर आ रहे हैं सुबह से ही यहाँ पर कस्टमर का तांता लगा हुआ है वो लगातार आ रहे हैं और कुछ ना कुछ यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं टेस्ट कर रहे हैं और वो खाकर यहाँ पर जा रहे हैं यहाँ के जो सर्विस प्रोवाइडर हैं जो यहाँ पर हैं आप देख सकते हैं यहाँ दो सर्विस प्रोवाइडर आपके कैमरे पर दिख रहे हैं एकदम उनकी जो भी कोविड से संबंधित या जो भी रिलेटेड उनकी जो सेवा के तहत जो प्रोटोकॉल उन्हें मानना चाहिए वो सारे प्रोटोकॉल के साथ वो यहाँ पर रेडी हैं ठीक सामने भी आप देख पा रहे हैं काउंटर की उस तरफ भी यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइड करेंगे वो यहाँ पर मौजूद है और वही पूरी सेवा जो है आसानी से लोगों तक पहुँचाएँगे फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं दुर्गा पूजा दिवाली हो या क्रिसमस हो ऐसे समय में खाने का मन बहुत ज़्यादा करता है और ख़ासकर हल्के हल्के चीज़ों और बच्चों की अगर बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे चीज़ों को पसंद करते हैं बड़े लोग भी इसे काफ़ी पसंद करते हैं और हर तरह के लोगों की हर तरह की उम्र के लोगों की जो पूरी तैयारी है वो यहाँ पर की गई है हालाँकि हम यहाँ पर अब जुड़ेंगे यहाँ के जो ऑनर है उनसे कि क्या कुछ उन्होंने इस बार शिव मंदिर में तैयारी की है बागडोगरा के बाद ठीक सामने हमारे कैमरे पर आप देख पा रहे हैं रतन जी मौजूद है साथ में उनके सहयोगी भी मौजूद हैं हम दोनों से बात करेंगे सबसे पहले दुर्गा पूजा की बधाई के साथ साथ आपको नए दुकान के लिए बहुत बहुत बधाई बागडोगरा में काफ़ी अच्छा आपने लोगों को सर्विस दिया है दे रहे हैं आगे भी देंगे अब शिव मंदिर की बारी है शिव मंदिर के बारे में आपने क्यों सोचा क्यों लगा कि शिव मंदिर पर ही एक दूसरा आपका आउटलेट होना चाहिए और क्या कुछ सोचा है आपने इसके लिए ये हमारे कस्टमर्स का डिमांड था कि भैया आप हमारे यहाँ भी एक ब्रांच खोलिए उसी हिसाब से हम लोग प्लान करके यहाँ पर आज हम लोगों ने एक नया आउटलेट खोला है तो यहाँ पर जिस तरह की तैयारी है बागडोगरा अगर मफिन हाउस की बात करें स्वाद
जो उसका प्रोडक्शन है वो सेम टू सेम होगा या फिर यहाँ पर किसी? जी जी जी, एक ही जो ये कोई फ्रेंचाइजी नहीं है, ये हमारा ये सेकंड आउटलेट है, हमारा टोटल प्रोडक्शन वहीं से है और यहाँ पे हमारा सामान आके यहाँ पे सेल है बस। अच्छा, तो क्या सोच के साथ आपने उतरा है यहाँ पर? हम लोग ने पॉजिटिव सोच के साथ ही यहाँ पर आए हैं, अभी आगे कस्टमर का रिव्यूज़ देखते हैं आगे क्या मिलता है हमारा। अच्छा, तो क्या कुछ आपको ऐसा लगा कि शिव मंदिर जैसे क्षेत्र में अगर इस तरह की दुकान की ज़रूरत है या आउटलेट की ज़रूरत है जहाँ से लोग आसानी से आपकी जो से, क्योंकि अक्सर मुझे लगता है कि बागडोगरा पर जब शिव मंदिर के कस्टमर आते होंगे तो कहते होंगे भैया शिव मंदिर पर भी हमारे लिए कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था करिए, तो क्या कुछ यही कुछ कारण है या फिर आपने सोच के रखा? यही कुछ कारण है और कस्टमर्स के डिमांड के वजह से हमने यहाँ पर अपना आउटलेट सेकेंड आउटलेट ओपन किए हैं। साथ में आपके सहयोगी, क्या परिचय उनका? उनका नाम अविनाश सिंह, हमारे फ्रेंड है। अच्छा, अविनाश जी से हम बात करेंगे, अविनाश जी से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ मफिन हाउस के साथ जुड़कर लग रहा है, क्योंकि मफिन हाउस खुद एक नाम बन चुका है और भी कई नाम उनके साथ जुड़ रहे हैं, आगामी दिनों में और भी कई नाम जुड़ सकते हैं। अविनाश जी थोड़ा हम चाहेंगे थोड़ा हमारे सामने आइए, बताइए कैसा लग रहा है मफिन हाउस के साथ एक साथ संयुक्त होकर आप कुछ काम की शुरुआत कर रहे हैं? जी, ऑलरेडी अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं बागडोगरा में, उसके लिए कस्टमर रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, उसी हिसाब से यहाँ पे डिमांड था उसी हिसाब से उन्होंने मतलब हमने डिसाइड किया कि यहाँ पे भी एक आउटलेट किया जाए इनका, तो उसी हिसाब से वो लेके आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे कवर भी कर पा रहे हैं, माटी गाड़िया एरिया तक को कवर कर पाएंगे इसके थ्रू, ये प्लस पॉइंट रहेगा, बेनिफिट यहाँ का यही है। तो इस स्टोर में खासकर ज़्यादा समय आप ही बैठेंगे यहाँ पर? हाँ जी, तो यहाँ पर आप ही देख रहे हैं। हाँ, तो क्या कुछ कस्टमर जो है उनके बातों उनके सर्विस का ख्याल रखेंगे आप? हाँ, वो पूरी तरह से सर्विस का ख्याल रखेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे, उसी से पॉजिटिव रिस्पांस देना पड़ेगा कस्टमर्स को, उसी हिसाब से ट्रीट करना पड़ेगा, जैसे उनको सर्विस प्रोवाइड हो रहा था बागडोरा से उसी हिसाब से हमारा पूरा ट्राई रहेगा कि हम यहाँ से भी सेम सर्विस प्रोवाइड करें। अच्छा, तो प्राइस की बात करें रतन जी, जो मफिन हाउस बागडोगरा पर है उसकी और यहाँ की प्राइस क्या सेम है या फिर थोड़ा बहुत? जो वहाँ पे प्राइस है हमारे यहाँ भी सेम प्राइस अवेलेबल है कस्टमर को, कोई अप एंड डाउन कोई प्राइसेस नहीं है, जो प्राइस अगर वहाँ चेंज होता है तो यहाँ पे भी उसी प्राइस पे चेंज हो जाएगा। और दुर्गा पूजा को लेकर क्या कुछ यहाँ पर तैयारी करके रखें आप? दुर्गा पूजा को लेकर जैसे कि हमारा तो ऑलरेडी सबको पता है कि हमारा टोटल वेज आइटम है यहाँ पे, एवरीथिंग इज एगलेस, केक वगैरह सब हम लोग नॉन वेज कुछ यूज़ नहीं करते हैं, केक ऑलरेडी प्योर वेज है जो कि सबको ओकेशन में यूज़ हो सकता है, जैसे एक बर्थडे में बहुत जन आते हैं तो उसमें वेजिटेरियन बहुत जन रहते हैं, दो चार वेजिटेरियन रहते हैं, तो उस हिसाब से हमारा ये ऐसा केक है कि सबको उनको अवेलेबल मिल जाता है, बिना डरे वो खा सकते हैं। यही नवरात्र का सीज़न चल रहा है, ऐसे में अभी फेस्टिवल सीज़न शुरू हो चुका है, लगातार एक के बाद एक त्यौहार आ रहे हैं जहाँ पर कई सारे माता बहनें हैं, कई सारे परिवार हैं जो वेज खाने का उनका एक जगह बन जाता है, ऐसे में कुछ ना कुछ बाहर के खाने के जो आदि हैं, जो बाहर के खाने के लिए जो हमेशा से चाहते हैं वो कुछ ना कुछ यहाँ पर अगर ट्राई कर सकता है, उन सभी को स्पेशली एक सुविधा मिलेगी मफिन हाउस जैसे जगहों पर। विनाश जी से हमने बात की, रतन जी से बात की, शुभकामनाएं देते हैं कि आगे आपकी दुकान बहुत अच्छी आगे बढ़ती रहे, आज शिव मंदिर तक पहुँचे हैं, उम्मीद करेंगे कल को माटीगारा होते हुए सिलीगुड़ी और सिलीगुड़ी होते हुए जलपाईगुड़ी और कुछ बिहार भी पहुँचे। तो यहाँ पर फिलहाल हम थोड़ा सा और आगे कुछ दिखाते हैं, यहाँ पर हमारे साथ एक कस्टमर यहाँ पे दिख रहे हैं, आखिर आप यहाँ भी उनको सबसे पहले उनकी हंसी भाव आपको दिखाना चाहेंगे, काफ़ी खुश है क्योंकि मफिन हाउस में जो आता है वो खुश रहता है। सनी जी हैं, हम इन से परिचित हैं, बागडोगरा के ही निवासी, शिव मंदिर में भी इनका रेस्टोर चलता है। सनी जी, शिव मंदिर में मफिन हाउस का सर्विस आपने बागडोगरा में कई बार देखा है, शिव मंदिर में आप सबको देखने को मिलेगा, हालांकि आप इससे परिचित हैं, क्या लगता है शिव मंदिर वासियों के लिए कितना बड़ा गिफ्ट है ये? मेरे ख्याल से ये एक मतलब मैं स्ट्रेटली बोल, ये एक तरफ से पूजा बम्पर ही है क्योंकि ये बहुत मतलब बहुत काफ़ी दिनों से अपना भाई चाह रहा था कि यहाँ भी एक बढ़िया, क्योंकि शिव मंदिर के बहुत सारे कस्टमर्स आने पड़ रहे थे उनको, तो जिसको कभी कभी दिक्कत भी होते हैं, तो अभी यहाँ सबके लिए आसान हो जाएगा, जो शिव मंदिर हो या माटीगढ़ा का हो, और हम तो चाहते हैं पूरे दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का अपने भाई के पास आए, बस यही चाहते हैं और यही शुभकामनाएं, और पूजा के साथ साथ पूजा का टाइम भी सही, आज 12 तारीख है, सप्तमी है, तो सही टाइम में भाई ने अच्छा किया है, अच्छा अच्छा गिफ्ट किया है, अच्छा चौका नहीं इसको छक्का बोलते हैं जी, उन्होंने छक्का मार दिया है, अब यहाँ से शुरुआत होगी, एक बेहतर शुरुआत होगी। फिलहाल आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर हमेशा मफिन हाउस से जुड़े रहते हैं, क्या कुछ वहाँ की चीज़ें आपको अच्छी लगती है? एक्चुअली मैं ऐसा सेलेक्टेड कुछ भी आइटम मैं बोल नहीं सकता क्योंकि सभी अच्छा बढ़िया है, सभी अच्छा है, मैंने सभी ट्राई किया है तो मेरे को कोई कंप्लेंट नहीं है,
और बाकी आशा करता हूँ यहाँ के कस्टमर्स भी बहुत लाइक करेंगे, तो यही है, बस यही बोलना चाहता हूँ। बाकी अब कस्टमर्स के ऊपर है और हमारे ढेर सारे शुभकामनाएं अपने भाई के पास, बस ये। तो दर्शकों, एक ही चीज़ कहना चाहेंगे, मफ़िन हाउस के बारे में बहुत ज़्यादा बोलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मफ़िन हाउस जो है वो अपनी जगह बना चुकी है, लोगों को सर्विस वो दे रही है, टेस्ट से भी वो अपनी पहचान बना चुकी है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो चीज़ है, केक है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है, हर तरह के प्राइस के, हर तरह के सेब के, हर तरह के कलेक्शन के साथ यहाँ पर है। अक्सर आप फ़ोटो पर देखते थे वो यहाँ पर आपको प्रेजेंटली दिख रहा है। स्नैक्स, चाहे वो चीज़ बर्गर हो, पनीर बर्गर हो, हॉट डॉग हो, या फिर पनीर पिज्ज़ा हो, चीज़ पिज्ज़ा हो, पनीर पेटी हो, कुछ भी हो, या काफ़ी सारी चीज़ें जो है यहाँ पर अवेलेबल है, जो आपको आसानी से यहाँ पर दिख रहा है। हमने पहले इंट्रो में भी दिखाया, और मफ़िन हाउस के बारे में और ज़्यादा कुछ हम क्या आपसे कहें, हम यही कहेंगे कि आप यहाँ पर खुद आएँ, खुद आकर यहाँ पर विजिट करें, देखें, टेस्ट करें, फिर कहें कि हमने क्या कहा था। दोस्तों, आप सभी से एक अनुरोध रहेगा, जब भी आप शिव मंदिर में आते हैं, शिव मंदिर के आसपास की पूजा में घूमने आते हैं, या किसी भी तरह से आते हैं, एक बार यहाँ पर आकर विजिट करें, यहाँ के स्वाद को चखें और खुद इसका फ़ैन बन जाए। आप सभी का खबर आजकल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ इसी तरह आप खबर आजकल देखते रहेंगे और मफ़िन हाउस के पास जरूर आएंगे। और एक और चीज़, यहाँ पर हमारे, आप सभी को पता है कि अच्छी शुरुआत जो होता है वो बुज़ुर्गों के आशीर्वाद से होता है। जब ये स्टोर खुला, बुज़ुर्ग ही यहाँ पर, उन्होंने फीता काटे, हेड ऑफ़ द फैमिली हैं, दादाजी हैं, हमने जो रतन जी हैं जिन्होंने मफ़िन हाउस खोला है, उन्होंने आशीर्वाद लिया, थोड़ा आशीर्वाद हम भी ले लें, हम भी बातें कर लें उनसे। सबसे पहले प्रणाम आपको। देखिए, सप्तमी के दिन एक आशीर्वाद मिल रहा है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों के जो घर के लोग हैं वो तरक्की कर रहे हैं, एक के बाद दूसरा आज आउटलेट खुल गया है। क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे, क्या उनको कहेंगे? आशीर्वाद देंगे जी, बहुत जल्दी जल्दी ये तरक्की करें जी, हाँ, अपने जीवन में जो भी करना है इसके इच्छा कर से काम हो। अच्छा, हाँ, तो आज कैसा लग रहा है आप यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, खूब आनंद है समझ देखिए। अच्छा, हाँ, तो आजकल के हिसाब में ये सब चीज़ बहुत अच्छा जी। हाँ, आप खुश है ना? बहुत खुशी है। तो आगे से इन्हीं को आशीर्वाद करते हैं। हाँ, आशीर्वाद करते हैं, आगे बढ़ते रहें जी। तो हमने दादाजी से बातें की, दादाजी बोलने में एक्सपर्ट हैं, आपने बात करके सुन लिया, तो यही कहेंगे कि बस आप जब भी इस तरफ आते हैं, जब भी शिव मंदिर के आसपास आते हैं, तो जरूर मफ़िन हाउस में आएँ, एक बार विजिट करें और यहाँ की सेवा देने और लेने का जरूर मौका दें। आप सभी का खबर आजकल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।